हेलो एवरीवन, हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फोर ईयर सीरीज चैप्टर शुरू किया था। ये आपका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो में हम फोर ईयर सीरीज की डेफिनेशन को समझेंगे कि फोर ईयर सीरीज क्या होती है। तो पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन कि फोर ईयर सीरीज क्या है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। मान लेते हैं कि एफ कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है। डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल सी कॉमा सी प्लस 2π, और जो ये फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है सी कॉमा सी प्लस 2π, मतलब कि ऐसी कोई भी इंटरवल जिसकी जो लेंथ है वो 2π होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ इसकी आप देख सकते हो 2π है ना। इसको इसमें से इसको माइनस करो तो आपके पास 2π ही आएगा, मतलब कि ऐसी इंटरवल, ऐसी क्लोज इंटरवल जिसकी लेंथ 2π है, सच दैट जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये समीशन इन दोनों के लिए है। ठीक है, यहाँ जो ये ए नोट है, ए एन है, बी एन है, इनकी वैल्यूज क्या है वो देखते हैं। वेयर ए नोट हमारे पास क्या है, 1π इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस 2π, मतलब कि जो लिमिट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 2π होना चाहिए, एफ ओफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू क्या है, 1π इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस 2π एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और बी एन की वैल्यू क्या है, 1π इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 2π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। देन द एक्सप्रेशन 1 इज कॉल्ड फोर ईयर सीरीज। तो जो आपका ये एक्सप्रेशन 1 है, मतलब कि जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना है इसको, ये एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, फोर ईयर सीरीज कहते हैं। यही एक्सप्रेशन आपका फोर ईयर सीरीज है। यहाँ ए नॉट की वैल्यू ये है, ए एन की वैल्यू ये है, बी एन की वैल्यू ये है। मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास एफ कोई फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड बाउंडेड और इंटीग्रेबल है। ठीक है, और उसको हमने डिफाइन करा है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर सी से सी प्लस 2π के बीच में। ठीक है, सच दैट वो फंक्शन क्या है, ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू इन्फिनिटी मार्कि 1 से इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, और ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज ये है। देन जो आपके पास जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, जो ये एक्सप्रेशन लिखा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, फोर ईयर सीरीज कहते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन ही आपका क्या कहलाता है, फोर ईयर सीरीज कहलाता है। एंड द कॉन्स्टेंट्स, एंड द कॉन्स्टेंट्स कौन से कॉन्स्टेंट, ये ए नॉट ए एन बी एन। ठीक है, ए नॉट ए एन बी एन आर कॉल्ड फोर ईयर कोफिशियंट्स, आर कॉल्ड फोर ईयर कोफिशियंट्स। ठीक है, तो यही है आपकी फोर ईयर सीरीज की डेफिनेशन। फोर ईयर सीरीज क्या होती है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फोर ईयर सीरीज कहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए आपको इसको याद करना ही होगा। अब देखिए, यहाँ ना हमने ये वाला साइन लगाया है, हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, हमने ये वाला साइन लगाया। हमने ये वाला साइन यहाँ क्यों लगाया, इक्वल टू का क्यों नहीं लगाया, ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो ये फंक्शन है वो क्या किसी स्पेसिफिक इंटरवल को कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये फंक्शन कन्वर्ज करता है तब हम यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, पर अगर हम नहीं, हमें मतलब कि हमें नहीं पता कि वो कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कि हम श्योर नहीं है कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो उस केस में हम ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम श्योर नहीं है कि जो ये फंक्शन है ये कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ क्या करा है, ये वाला साइन लगाया है। अगर कन्वर्ज करेगा तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अगर हमें पता है कि ये कन्वर्ज करेगा तो। ठीक है, तो ये फोर ईयर सीरीज का एक्सप्रेशन है जो आपको याद करना है। अब देखिए, ये आपका जो एक्सप्रेशन था ना, ये इस फंक्शन के लिए था, एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए ये आपका एक्सप्रेशन था जिसको हम फोर ईयर सीरीज कहते हैं। जो आप कह सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा, ये आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए फोर ईयर सीरीज है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फोर ईयर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। कि अगर मान लीजिए कि अगर ये एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तब ये एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, और अगर ये ऑड फंक्शन है तब ये एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है ना, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए इवन फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक इवन फंक्शन है, और हम यहां कोई इंटरवल ले लेते हैं, इन द इंटरवल
आपको पता है आपको कैसी सी इंटरवल लेनी है जिसकी जो लेंथ है वो क्या हो, 2π हो, ठीक है। तो हम यहाँ इंटरवल लेंगे -π to π, इसकी लेंथ भी क्या है, 2π है ना। तो हमने ऐसी इंटरवल ले ली -π से π। तो f(x) एक इवन फंक्शन है, कौन सी इंटरवल के अंदर डिफाइंड है, वो -π से π इंटरवल के बीच में डिफाइंड है वो। अब हमें इसके लिए फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास जनरल फोरियर सीरीज का क्या एक्सप्रेशन है, ये रहा, है ना। हमने यहाँ f(x) को कुछ नहीं माना था, ना इवन बोला था ना ऑड बोला था, हमने बस एक सिंपल सा फंक्शन लिया था और उसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। अब हम पर कह रहे हैं कि जो f(x) है वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए अब हमारे पास फोरियर सीरीज का क्या एक्सप्रेशन आएगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन को याद रखना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन क्या है। तो हमारे पास f(x) जनरल में इसके इक्वल होता है, ठीक है, और a0, an और bn की वैल्यूज ये होती हैं। तो मैं पहले जनरल में लिख लेता हूँ, वी नो इन जनरल f(x) जो है उसके लिए फोरियर सीरीज होंगी वो क्या होगी, a0/2 प्लस समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, ठीक है। और a0, an और bn की वैल्यूज ये लिखी हुई हैं तीनों, ठीक है। मैं ना अब a0 की वैल्यू निकालता हूँ, क्या आएगी a0 मेरे पास होता क्या है, 1/π इंटीग्रेशन c से c+2π, पर हमारी यहाँ इंटरवल -π से π है, तो इसलिए मैं लिमिट्स -π से π लूंगा, -π से π f(x) dx, यही होता है एक्सप्रेशन ए नोट का। ए एन का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या बनेगा आपके पास, 1/π इंटीग्रेशन -π to π, ठीक है, f(x) cos nx dx बनेगा, यही आपका ए एन की वैल्यू होती है। मैंने बस यहाँ लिमिट्स चेंज कर दी, यहाँ c से c+2π थी, यहाँ -π से π कर दी क्योंकि इंटरवल हमने -π से π दी है, ठीक है। इसी तरह bn का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसको मैं क्वेश्चन में 1 मान रहा हूँ, ठीक है। तो bn मेरे पास बनेगा 1/π इंटीग्रेशन -π to π f(x) sin nx dx, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जो ये f(x) है वो क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। अगर ये इवन फंक्शन है तो आपको पता होगा, मैंने आपको इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ाए थे। रिजल्ट्स क्या थे कि इवन फंक्शन के केस में अगर ऐसा है, इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx किसके इक्वल होगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, मतलब कि इस जो ये इंटरवल है -a to a इसका हाफ कर दिया, तो आपकी जो ये इंटरवल में होगी 0 to a होगी और 2 बाहर निकाल दिया। इवन फंक्शन के केस में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, आपके पास -π to π है, ये आप यहाँ देखो ए नोट की वैल्यू में -π to π है, और f(x) हमने क्या माना, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसी फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2 0 to a f(x) dx, जहाँ आप कह सकते हो 0 to π, क्योंकि वहाँ -π to π है, इसलिए यहाँ 0 to π हो जाएगा f(x) dx, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो आपके पास आएगी आएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी का यूज कर लो चाहे ना करो। सिमिलरली यहाँ ए एन की वैल्यू देखिए, ए एन क्या है, 1/π इंटीग्रेशन -π to π f(x) cos nx dx। अब देखिए f(x) क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है, और cos nx क्या है, वो भी इवन फंक्शन है, और दो इवन फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं आपको बता देता हूँ, जो इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन होता है ना, उसका जो आंसर आता है वो भी इवन फंक्शन ही होता है। इसका मतलब ये भी इवन फंक्शन है, इस पर भी क्या प्रॉपर्टी लगेगी, वही 2 से 2 बाहर आ जाएगा, और 1/π तो है ही है, तो पाई हमने ऐसे लगा दिया, -π to π f(x) यहाँ 0 to π हो जाएगा, क्योंकि अब ये मैंने लिमिट्स की जो रेंज है वो हाफ कर दी है, f(x) cos nx dx आ जाएगा, ठीक है। तो an की भी हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी आएगी। अब bn की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपका इवन फंक्शन है और ये क्या है, ओड फंक्शन है, और ये भी आपको याद रखना है कि जो इवन इंटू ओड फंक्शन होता है ना, वो ओड फंक्शन ही निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब ओड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो हमें पता है फॉर ओड फंक्शन क्या होता है, -a to a f(x) dx अगर आपके पास है, f(x) मैंने यहाँ क्या लिया है, ओड फंक्शन लिया है, तो ये किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल ही आता है, ठीक है। अगर ये फंक्शन ओड है और आपकी जो लिमिट्स हैं वो -a to a हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये पूरा फंक्शन क्या बन रहा है, ये ओड नहीं बन रहा, क्योंकि इवन इंटू ओड तो ओड होता है। इसका मतलब इसमें पूरे को क्या लिख सकता हूँ, 0 ही लिख सकता हूँ,
है ना, 1 बाय पाई एज इट इज रहेगा, और इस पूरी इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में ही पढ़ी है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो bn की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब चलिए एक्सप्रेशन नंबर 1 के ऊपर, ये जो हमारे हमने जनरल में फोर ईयर सीरीज लिखी थी, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास ए नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, ए एन की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट जो बी एन की वैल्यू है वो 0 हो रही है। ठीक है, इसका मतलब बी एन की वैल्यू 0, मतलब कि 0 × sin nx क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स, ये टर्म तो आपकी क्या हो चुकी है, 0 ही हो चुकी है। तो हमारे पास जो फोर ईयर सीरीज निकल के आ रही हैं, अगर हम एफ ऑफ एक्स को इवन फंक्शन मान के चल रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, वो मैं लिख रहा हूँ। तो आप क्या लिखोगे, फोर इवन फंक्शन हमारे पास, ऑफ इवन फंक्शन कौन सा, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए नोट बाई टू प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। ठीक है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है ना, तो आपके पास जो फोर ईयर सीरीज का एक्सप्रेशन निकल के आएगा ना, वो ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपकी होती है फोर ईयर सीरीज, फोर इवन फंक्शन, इवन फंक्शन अगर आपका पास आपके पास है, तो आपको सीधा याद रखना है कि बी एन उस केस में क्या होना है, 0 ही होना है। तो ये थी आपकी फोर ईयर सीरीज फॉर इवन फंक्शन। अब हम बात करते हैं ओड फंक्शन के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है बी एन ओड फंक्शन। अब हम ओड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स को हमने क्या मान लिया, ओड फंक्शन मान लिया। अब इसके लिए हम ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू उसको निकालते हैं। ठीक है, तो और एक बात और, आप इस सीरीज में देख सकते हो, इवन फंक्शन के लिए जो सीरीज हैं उनमें देख सकते हो कि आपके पास सिर्फ कोस की टर्म्स है, साइन की कोई टर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए इस फोर ईयर सीरीज को हम कोसाइन सीरीज भी कहते हैं, कोसाइन सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आपको मतलब कोई पूछे कि कोसाइन सीरीज क्या होती है, तो आप ये एक्सप्रेशन बोल देना, यही आपकी कोसाइन सीरीज होती है। ठीक है, चलिए अब हम ऑड फंक्शन की बात करते हैं। तो ऑड फंक्शन के लिए अगर मैं ए नॉट की वैल्यू निकालूंगा, तो वो मेरे पास क्या आएगी, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन -π/π, हमने इंटरवल यहाँ भी क्या लेनी है, -π/π लेनी है। ठीक है, एफ ओफ एक्स डी एक्स। अब एफ ओफ एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है ना, और ऑड फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी आपको पता ही है, अगर ऐसी आपके पास लिमिट्स हो -a to a जैसी, ठीक है, और ये आपका ऑड फंक्शन है, तो उस केस में सीधा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ ए नोट आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ये 0 हो जाएगा ना, तो 1 बाय पाई इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो ए नोट 0 हो गया। अब मैं ए एन की वैल्यू निकालता हूँ, ए एन की वैल्यू भी क्या है, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन -π/π एफ ओफ एक्स कोस एन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब एफ ओफ एक्स क्या है, एक ओड फंक्शन है, हमने अभी भी मानना है, और कोस आपको पता है एक इवन फंक्शन होता है, और आपको ये भी बात याद रखनी है कि ओड इंटू इवन जो फंक्शन होता है वो हमेशा ओड आता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, एक ओड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ भी ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो इस हिसाब से ये भी पूरा 0 हो गया, 0 × 1/π 0, इसका मतलब ए एन भी 0 आ गया। बी एन निकालते हैं, बी एन क्या है, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन -π/π एफ ओफ एक्स साइन एन एक्स dx। अब देखिए ये क्या है, एक ओड फंक्शन है, और साइन भी क्या होता है, एक ओड होता है, ओड इंटू ओड जो होता है ना वो इवन आता है, ये साथ साथ याद रख लेना। ठीक है, पहले क्या याद रखना है, देखिए ओड इंटू इवन फंक्शन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, ओड आता है। ठीक है, अगर आपके पास ओड इंटू ओड हो तो वो क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, अगर आपके पास इवन इंटू इवन हो तो वो आपके पास क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए ये आपके पास फिर क्या बना, ऑड इंटू ऑड इवन फंक्शन बना ना, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, चाहे वो आप 2 बाहर निकाल के लिख दो और ये 0 to π कर दो, इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है ना, 0 to π कर दिया हमने, मतलब कि ये जो लिमिट्स की जो लेंथ है उसको हाफ कर दिया। ठीक है, और 2 बाहर निकाल दिया, एफ ओफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स एज इट इज। ठीक है, तो बी एन की हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपका जो ए नॉट वाली वैल्यू है और ए एन वाली वैल्यू है वो 0 हो रही है, आपके पास सिर्फ बी एन बचेगा। तो इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, ये टर्म 0 होगी, ये ए एन कोज एन एक्स की टर्म 0 होगी, बचा कौन सा, बी एन साइन एन एक्स बचा। तो एफ ओफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी
बी एन साइन एन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपका है फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन, फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन। और यहां आप देख सकते हो कोस की कोई टर्म नहीं है, सिर्फ साइन की टर्म है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, साइन सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, साइन सीरीज। तो ये साइन सीरीज होती हैं जिसमें ए नॉट और ए एन नहीं है, ठीक है, और ये कोसाइन सीरीज होती हैं जिसमें ए नॉट और ए एन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फोरियर सीरीज क्या होती हैं, उनके एक्सप्रेशन को आपको याद करना है, और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के लिए भी आपके पास क्या फोरियर सीरीज होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है।